नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है कन्या राशि या कन्या लग्न के लोगों के लिए। अगर आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। आज इसमें हम बात करेंगे कि कन्या वालों का विवाह किस उम्र में होता है, सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं, सबसे ज्यादा प्रबल योग आपके उम्र के किस पड़ाव पर बनते हैं, विस्तार से बात करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों, कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपके विवाह करवाने वाले ग्रह गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव के मालिक गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, सप्तमेश बनते हैं। देखिए, किसी भी जातक या जातिका का विवाह कब होगा तो ये जानने के लिए सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तम भाव की कैसी स्थिति है, सप्तमेश यानी सप्तम भाव के जो मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनकी कैसी स्थिति है आपकी कुंडली में, वही बताएगी कि आपका विवाह जल्दी होगा या फिर अन्य लोगों की तुलना में देरी से होगा। तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, मान लीजिए कुंडली में अगर आपकी गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, या मित्र राशि में, स्व राशि में बैठे हैं, तो उस कंडीशन में फिर विवाह आपका समय पर हो जाता है। और वहीं अगर गुरु पीड़ित होंगे तो फिर विवाह में विलंब होगा। देखिए, हमने जो जितनी भी कुंडलियां देखी है, विश्लेषण किया है, आमतौर पर हमने पाया है कि कन्या वालों का विवाह 24 से 26 वर्ष की आयु में हो जाता है, गुरु शुभ स्थिति में होने की कंडीशन में। अगर कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो मानकर चलिए आपका विवाह 24 से 26 के बीच अवश्य हो जाएगा। आपके अच्छे रिश्ते भी आएंगे और उस समय अगर आप कर लेंगे तो आपका विवाह हो भी जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप विवाह नहीं करते हैं, डिले कर जाते हैं, तो फिर उस स्थिति में देखिए फिर विवाह आपका 29 वर्ष के बाद होता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ज्यादातर देखा जाता है कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में होने पर विवाह 24 से 26 के बीच ही होगा, परंतु अगर गुरु छठे घर में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, नीच राशि के बैठे हैं, या फिर सप्तम भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जैसे शनि, राहु, मंगल, ऐसे ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर आपका विवाह विलंब से होता है, फिर 29 वर्ष के बाद ही होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो अगर आपको 24 से 26 के बीच में कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो आप उस समय विवाह करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि कई बार आपके मन में आता है कि पहले करियर बना लें उसके बाद विवाह का विचार करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर योग निकल जाता है और फिर आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि गलती आपकी होती है। तो इस बात को आपको समझना होगा, समय पर विवाह करना भी जरूरी है, करियर भी बन सकता है विवाह के बाद में भी, इस बात को समझिए आप। इसके बाद देखिए दर्शकों, कुंडली में आप गुरु की स्थिति को समझ लीजिए, सप्तम भाव की स्थिति को समझ लीजिए, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका विवाह जल्दी होगा या देरी से होगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए दर्शकों, 2-3 साल पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि कन्या राशि वाले लोगों को लाइफ पार्टनर कैसे मिलते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, चरित्र कैसा होता है, संपूर्ण चर्चा की थी। तो उस वीडियो को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, आपको भी पसंद आएगी, तो वो वीडियो जरूर देखिए। आज के लिए इतने दर्शकों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक करिए, अपने जान पहचान में कोई कन्या राशि के जातक हैं तो उनको ये शेयर करिए, उनको भी ये जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।